हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर 3 नेचुरल रिसोर्सेज वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इन द बिगनिंग द अर्थ वॉज बैरन प्लैनेट। स्टार्टिंग में अर्थ बिल्कुल बैरन था, वहाँ पर कुछ नहीं था। एंड द फर्स्ट लाइफ अपीयर्ड इन ओशन इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स। और फर्स्टली ओशन में लाइफ आई प्लांट्स के फॉर्म में। वेरियस अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म अपीयर्ड ऑन द अर्थ विच वर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज एनिमल्स एंड प्लांट्स। धीरे धीरे अर्थ पे भी प्लांट्स और एनिमल्स आने लगे और ऑर्गेनिज्म ग्रो होने लगे और हमने उन्हें नेम दिया एनिमल्स और प्लांट्स। सो वॉट इज नेचुरल वेजिटेशन? द असेंबलेज ऑफ प्लांट स्पीशीज इन द एनवायरमेंट। जितने भी प्लांट्स हैं जो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ग्रो करते हैं, वहाँ के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ग्रो करते हैं विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, दोज आर नोन एज नेचुरल वेजिटेशन। ओके, किसी एरिया में उसके एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग जो प्लांट स्पीशीज ग्रो करते हैं, दोज आर नोन एज नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन इंक्लूड्स फॉरेस्ट, ग्रासेस एंड शर्ब्स। इसमें हम फॉरेस्ट को लेते हैं, ग्रासेस को लेते हैं और शर्ब्स को इंक्लूड करते हैं। ओके, नाउ नेचुरल वेजिटेशन जो है, इसके दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इसकी ग्रोथ पर इफेक्ट डालते हैं। व्हाट इज़ दैट? फर्स्ट इज टेम्परेचर एंड द अदर वन इज रेनफॉल। ओके, सो इन द एरिया ऑफ हाई रेनफॉल देयर वी फाउंड थिक एंड डेंस फॉरेस्ट। जिन एरियाज़ में ज़्यादा रेनफॉल होती है उन एरियाज़ में थिक और डेंस फॉरेस्ट होते हैं, बहुत घने जंगल मिलते हैं। और द एरियाज विद लेस रेनफॉल देयर इज लेस वेजिटेशन, वहाँ पर कम वेजिटेशन होती है। वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट दैट इज फाउंड इन इक्वेटोरियल रीजन। तो इक्वेटोरियल रीजन में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, इसलिए वहाँ के फॉरेस्ट डेंस हैं। ठीक है, एंड इन अफ्रीका जो सहारा डेजर्ट है, बिकॉज इट इज़ अ डेजर्ट एरिया एंड रेनफॉल इज लेस देयर, तो वहाँ पर ज़्यादा वेजिटेशन ग्रो नहीं करती है, ओनली शर्ब्स आर देयर। ओके, एंड इन कोल्ड रीजन ऑल्सो वहाँ पर भी कम वेजिटेशन होती है बिकॉज द ग्रोइंग सीजन इज वेरी शॉर्ट। वहाँ का टेम्परेचर बहुत लो रहता है, वार्म टेम्परेचर नहीं होता जिसमें वेजिटेशन ग्रो हो सके प्रॉपरली। तो इन एरियाज में भी अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर बहुत कम वेजिटेशन होती है। ओके,